शुगर माफिया के बहुत बड़े मालियाती फ्रॉड, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। मसनूई किल्लत और सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमत को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। आपको बताएं कि शुगर माफिया के बहुत बड़े मालियाती फ्रॉड, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीला जानते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफ सामने आए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना है कि शुगर माफिया के जो बड़े मालियाती फ्रॉड जिसमें जालसाजी और मनी नेटवर्क था, जो मनी ट्रांसफर का नेटवर्क शामिल था, इसका इंकशाफ हुआ है और एफआईए की जानिब से इसके ऊपर कार्रवाई के लिए जो की गई, इसमें 32 मोबाइल फोन और लैपटॉप ऐसे थे जिसके अंदर ठोस शवाहिद जो है वो मिल गए और इनमें तमाम जो बड़े ग्रुप थे शुगर माफिया के, उनके नाम जो है वो शामिल थे और ये तमाम लोग जो रमजान मुबारक में सट्टे के जरिए कीमतें बढ़ाने की साजिश का इंकशाफ जो है वो किया गया है। और इसमें आप बताएं कि आप एफआईए की जानिब से, जो एफआईए जोन वन की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, उसमें शुगर जो सट्टा माफिया के जो सरकर्दा और काम थे उनके अकाउंट की छानबीन का फैसला किया गया है और इनकी गिरफ्तारियों के लिए अब जो है वो छापे मारे जाएंगे। एफआईए काम का कहना था कि शुगर माफिया की सरकर्दगी के लिए जो 20 टीमें तशकील दी गई हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई में तमाम जो बड़ी शुगर इंडस्ट्रीज थी, शुगर मिल माफिया से, उनके अकाउंट जो है उनको भी चेक किया जाएगा और उसमें ये इंकशाफ हुआ जो 20 मोबाइल फोन और जो लैपटॉप बरामद किए गए उसमें वो ये बेजाबतियों का इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका।